इसमें मैं आपको कुछ ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग या सर्वर या नेटवर्किंग मतलब एक डेस्कटॉप सपोर्ट की इनिशियल जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं तो इसमें मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूँ जो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर प्रोसेसर मदरबोर्ड रैम एस एस एंड इनपुट output devices but the next question question Gitarab, what are what are the input devices tell me any three the output devices is called monitor printers speakers and basic output devices the next question is what is processor a processor is the main component of a computer which accept the instruction from the input devices and process on that instruction and send to the output द आउटपुट डिवाइसिस एंड दोस्तों नेक्स्ट विच इज़ द लैटेस्ट प्रोसेसर ऑफ इंटेल तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप गूगल कर सकते हो क्योंकि प्रोसेसर चेंज होते रहते हैं और लैटेस्ट कौनसा है वो आप गूगल कर सकते हो वट इज द कैसे मेमोरी कैसे मेमोरी इज दाल एंड फास्टेस्ट मेमोरी विच इज प्लैस इन बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर कैसे मेमोरी स्टोर द इंस्टक्शन फ्रॉम द रैम तो बेसिकली कैसे मेमोरी होता क्या है कि ये एक प्रोसेसर और रैम के बिटवीन काम करती है और जो इनपुट होता है रैम के थ्रू वो कैसे मेमोरी में जाता है और ये बहुत, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है एक कंप्यूटर के लिए और ये बहुत ही स्मॉल साइज में भी होती है तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ रोम रीड ओनली मेमोरी रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी विच स्टोर द डेटा परमानेंटली एक हार्ड डिस्क होती है जो कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली परमानेंटली इन देंस कि जब तक आप डेटा को डिलीट नहीं करते हो उस ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करते हो तो वो तब तक आपका डेटा उसमें स्टोर करता है और यहीं पे एक रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी तो इसमें क्या है टैम टेंपर, टैंपरेरी डेटा स्टोर होता है अगर आपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया है सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो आपका जो टैम्प्रेरी डेटा होता है वो लॉस हो जाता है आपकी रैम मेमोरी से बट आप रोम में जो सेव करते हो यानी कि हार्ड डिस्क में उसमें परमानेंट डेटा स्टोर रहता है एंड बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं इरेजबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी सेकेंड टाइप होता है ई ई पी आर ओ एम इलेक्ट्रिकली इजबल प्रोग्राम प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी एंड वॉट इज द मदरबोर्ड मदरबोर्ड इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विच कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट टुगेदर एंड पासिस द रिक्वायर वोल्टेज टू द कनेक्टेड ऑल डिवाइसेस तो मदर बोर्ड बेसिकली क्या होता है कि इससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो आप अगर चाहें उस पर माउस कनेक्ट कर रहे हो की बोर्ड कनेक्ट कर रहे हो या इवन प्रोसेसर आप उस पर कनेक्ट कर रहे हो तो सारी डिवाइसेस उस पर कनेक्ट होती हैं और ये कनेक्ट होता है एक एस एम पी एस के थ्रू जो कि वोल्टेज या पावर सप्लाई करता है जितने भी उसमें कनेक्टेड डिवाइस हैं तो बेसिकली ये काम करता है मदरबोड इसके नाम से ही लगता है कि ये एक मेन हब है आपके मशीन का या आपके कंप्यूटर का एंड दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई एस एम पी एस के इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि ये पावर सप्लाई करने की एक डिवाइस है जो कि आपकी मशीन से कनेक्टेड होती है इट प्रोवाइड डी सी वोल्टेज टू ऑल द कंपोनेंट विच इज़ कनेक्टेड टू द मशीन विच इज़ कनेक्टेड टू द सिस्टम एंड ऑल्सो सप्लाई द वोल्टेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिवाइसिस तो कई बार होता है कि ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपसे पूछ लिए जाते हैं और अगर आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं आईटी में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो यही जानता है जिन सब चीज़ों से या जिस बैकग्राउंड से हम लोग आ रहे होते हैं आईटी की तो अगर बेसिक नहीं पता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाकी जिसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं वो तो ओबेसी बात है हम लोग पढ़ते ही हैं लेकिन आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए या कोई चाहिए तो ये कुछ क्वेश्चन है आई होप कि आपको लाइक बेसिक क्वेश्चन क्लियर हुए हों कुछ इसमें और आपके इंटरव्यू में हेल्प करें और अब मैं थोड़ा सा इस पर सीरीज़ लाने वाला हूँ आपके इंटरव्यू एंड क्वेश्चंस की ये मान लो क्वेश्चन वहाँ से उठाए गए हैं जहाँ पे आप लोग साठ साठ सार्थ सत्तर सत्तर हज़ार रुपये दे पढ़ाई करते हो या मतलब उस इंस्टीट्यूट में जाते हो मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ जाओ तो लगभग क्वेश्चन ये वहीं से हैं सारे और मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके किसी भी तरीके और आपको एक जॉब मिल सके किसी भी मल्टी नेशनल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो मिस ना हो मेरा नाम है शुभम मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में and turning off for that day.